महिला को शादी का झांसा दे 4 वर्षों तक युवक ने किया रेप, हुआ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ 4 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी नाबालिग लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया गया, बाद में उससे शारीरिक संबंध बनाया गया। पास में रहने वाले 22 साल के युवक ने उनकी बच्ची के साथ शादी करने के नाम पर बराबर रेप करता रहा। पीड़ित नाबालिग के परिवार वालों का कहना है कि जब नाबालिग से बराबर रेप करने का मामले की जानकारी हुई तो लड़के को बुलाकर कहा गया, लड़की शादी करने के लिए कहा गया, जिसके बाद लड़की को अपने घर भी ले गया, लेकिन ये शादी उसके घर वालों को नागवार गुजरी। उसके सभी घर वालों ने मिलकर पिटाई कर के धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 ACST एक्ट के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये मामला सीतापुर के खेराबाद इलाके का। चार साल से हो रहा है। क्या कह रहे थे वो? हमसे शादी करने से कह रहे थे, हम शादी करेंगे तुमसे। जब हमको लेके गए वहाँ पे तो हम अपने मम्मी पापा के सामने किया, हमको मार के भगा दिया और अपना चले गए। कौन कौन लोग मारा? रिंकू मारे, इनके पापा, इनकी अम्मा मारे। अच्छा, अब क्या कह रहे बोले? अब कह रहे लोग आओगे तो तुमको मार डालेंगे, जान से घर में रहने नहीं देंगे। आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं हमारी छुटके ही, तो हम इन्हीं के साथ रहें। यह कार्रवाई हो, यह तो कार्रवाई हो, मिल जाए।